सो है गाइस, दिस इज कमिल एंड यू आर वाचिंग के प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो पर मैं आपको दिखाए है कैसे आप अपनी वीडियो को पावर डायरेक्टर के अंदर कलर ग्रेड कर सकते हो, या बोल सकते हो कैसे आप पावर डायरेक्टर के अंदर अपनी वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। तो देखना इस वीडियो को लास्ट तक और स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो आप देख सकते हो मैं आ चुका हूँ पावर डायरेक्टर वीडियो एडिटर एप्लीकेशन में। पावर डायरेक्टर ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आपको मिडिल में जो प्लस आइकन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कोई भी एक एस्पेक्ट रेशियो चूज कर लेंगे, जैसे कि मैं यहाँ से 16:9 एस्पेक्ट रेशियो को चूज करता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होगा कलर बोर्ड, तो आप सिंपली कलर बोर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप किसी भी कलर का एक बैकग्राउंड क्रिएट कर लेंगे। सो लेट्स सपोज यहाँ से मैं इस डार्क कलर का बैकग्राउंड क्रिएट करता हूँ। उसके बाद हमें ये जो राइट साइड के कॉर्नर पर प्ले का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और इस बैकग्राउंड का जो टाइम ड्यूरेशन उसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। चूज कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से। सो उसके बाद आपको क्या करना है, ऊपर वाला लाइन को फुल करने के बाद आपको नीचे वाला जो लाइन है, इस लाइन का वैल्यू आपको रखना है 22%, ठीक है। मैं अपनी वीडियो के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आप अपनी वीडियो के हिसाब से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट तो नहीं हो सकता है, अगर होता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं होता है तो आप अपनी वीडियो के हिसाब से देख लीजिएगा कि किस तरीके से आपको सेट करना है, ठीक है। और ऐसा लगना चाहिए कि इस वीडियो का जो बैकग्राउंड है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। सो आप देख सकते हो मॉडल के पीछे का जो साइट है, आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट है, थोड़ा थोड़ा इरेज है, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कर लेंगे। सो इसका आप पूरा सेटिंग देख लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आ जाना है बैक, ठीक है। अब बैक आने के बाद ये जो आपको बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा कलर सिलेक्टर, सिंपली आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहां से कोई एक कलर चूज करेंगे, ठीक है, जो भी कलर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जो कलर आपकी फेवरेट है, यानी कि जिस कलर का कलर ग्रेड करना चाहते हो अपनी वीडियो को, उसी कलर को आप यहां से पिक कीजिएगा। लेट्स सपोज यहां से मैं ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है, मैं इसको चूज करता हूँ। उसके बाद यहाँ से हमें ये जो प्ले का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। सो एज यू कैन सी यार, हमारा जो वीडियो है कलर ग्रेड हो चुका है। यहाँ से आप अपनी वीडियो को प्ले करके देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन लेवल का कलर ग्रेड हो चुका है, ठीक है। अभी हम दोबारा इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। अगेन कलर सिलेक्टर के ऊपर क्लिक करना है
और इस बार मैं इस कलर को चूज करता हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा ग्रीन टाइप का है तो इसको हम सिलेक्ट करते हैं। यहाँ से हम प्ले के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। सो ये आप देख सकते हो, दोबारा हमारा जो वीडियो है वो प्रोफेशनल कलर ग्रेड हो चुका है। मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो। और इसी तरीके से आप यहाँ पर कलर चेंज करके जिस तरीके से आप अपने वीडियो को कलर ग्रेड करना चाहते हो उसी तरीके से कलर ग्रेड कर सकते हो, और काफ़ी आसानी से आप जो है अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हो बाकी एप्लीकेशन के मुकाबले में पावर डायरेक्टर में, ठीक है। सो ये मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आप अपनी वीडियो को कलर ग्रेड कर सकते हो, या वीडियो का बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हो। अभी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो इसके लिए आपको इस कॉर्नर पे सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप सेव टू गैलरी एसडी कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना रेजोल्यूशन चूज करेंगे, आपको 4K चाहिए या 1080p चाहिए, तो मुझे 1080p चाहिए। उसके बाद आप यहाँ से सेटिंग के ऊपर क्लिक करके इसका फ्रेम रेट चूज करेंगे 24fps, ठीक है। अगर आपको फिल्म लुक चाहिए यानी कि फिल्म फॉर्मेट में चाहिए। उसके बाद आप प्रोड्यूस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आपका वीडियो आपकी गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा।